हम आपको स्क्रीन पर एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। ज्यादा मत सोचिए, ये ट्रेलर किसी फिल्म का नहीं है। ये ट्रेलर है दुनिया के सबसे खूंखार और खतरनाक आतंकी ग्रुप आईएसआईएस का। इस ट्रेलर में आईएस ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दरअसल गुरुवार को खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने सोशल मीडिया के जरिए दो वीडियो जारी किए हैं। पहली वीडियो में एक और ब्रिटिश बंधक को आईएस दुनिया के सामने लाया है और दूसरा वीडियो आईएस के अमेरिका और उसके सैनिकों के खिलाफ जंग के ऐलान को दर्शा रहा है। इन दोनों वीडियोस के आने से पूरा पश्चिमी जगत आईएसआईएस के खतरनाक मंसूबों का अंदाजा लगा रहा है कि ये संगठन अब कुछ बड़ा करने वाला है। आईएसआईएस ने जो पहला वीडियो जारी किया है उसमें ब्रिटेन के पत्रकार जॉन केंटली खुद को आईएसआईएस का बंधक बता रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से जॉन आईएस का मैसेज देते नजर आ रहे हैं, ये देखिए। My name is John Cantley. I'm a British journalist who used to work for some of the bigger newspapers and magazines in the UK, including the Sunday Times, the Sun and the Sunday Telegraph. In November 2012, I came to Syria, where I was subsequently captured by the Islamic State. Now, nearly 2 years later, many things have changed, including the expansion of the Islamic State to include large areas of eastern Syria and western Iraq, a landmass bigger than Britain and many other nations. Now, I know what you're thinking. You're thinking, he's only doing this because he's a prisoner. He's got a gun at his head and he's being forced to do this, right? Well, it's true. I am a prisoner. That I cannot deny. But seeing as I've been abandoned by my government and my fate now lies in the hands of the Islamic State, I have nothing to lose. एक कमरे में बंद केंटली न्यूज एंकर की तरह एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। वीडियो में केंटली ने बिल्कुल वैसे ही नारंगी कपड़े पहन रखे हैं जैसे अमेरिकी पत्रकारों और डेविड हेंस ने सिर कलम होते वक्त पहन रखे थे। ये आईएसआईएस के बाकी वीडियो से काफी अलग है। केंटली ने इस वीडियो में चेतावनी देते हुए कहा कि इराक और अफगानिस्तान में युद्ध के बाद अब अमेरिका और ब्रिटेन आईएसआईएस के खिलाफ युद्ध न करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले वीडियो में वो कुछ और बातों को सामने रखेंगे। केंटली एक ब्रिटिश पत्रकार हैं जिसने द संडे टाइम्स, द सन और द संडे टेलीग्राफ जैसे ब्रिटेन के कई बड़े अखबारों और मैगजीन्स में काम किया है। वहीं केंटली प्रिंस विलियम्स और प्रिंस हैरी के दोस्त भी रह चुके हैं। एक बार वो आईएस के कब्जे से भागने में सफल भी रहे थे लेकिन इन्हें दोबारा बंधक बना लिया गया। दूसरा वीडियो जबरदस्त एक्शन और जंग के दृश्यों से भरा पड़ा है। ये HD वीडियो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से एडिट और पैकेज किया गया है, जैसा आपने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई आतंकी संगठन इस तरह का वीडियो भी जारी कर सकता है। 1 मिनट 27 सेकंड के इस प्रोपेगेंडा वीडियो में आईएस ने खुले तौर पर अमेरिका और उसके सैनिकों को चेतावनी दी है कि वो उनके खिलाफ जंग करेगा और उन पर हमला भी करेगा। वीडियो का नाम है फ्लेम्स ऑफ वॉर, यानी जंग की लपटे। हम ये वीडियो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो के आने के बाद अमेरिका की चिंता और बढ़ गई है। अमेरिका पहले ही आईएस के खिलाफ जंग का ऐलान कर चुका है और माना जा रहा है कि आईएस चाह रहा है कि इस वीडियो के जरिए वो किसी तरह से अमेरिका को संदेश दे कि अमेरिकी सैनिक उसके खिलाफ जंग करने के लिए ना आए। अब देखना यह है कि वक्त की बंद मुट्ठी में क्या है और जब वो खुलेगी तो आईएसआईएस का कोई बड़ा षड्यंत्र सामने आएगा या अमेरिका और सहयोगी देश आईएस का खात्मा कर चुके होंगे। फिलहाल तो ये वीडियोस बता रहे हैं कि आईएसआईएस का खतरा दुनिया के सामने मुंह खोलकर खड़ा है और अमेरिका और ब्रिटेन उसके निशाने पर आ गए हैं। गुलिस्तान न्यूज रिपोर्ट।